हाई स्टूडेंट्स सो एट लास्ट वी ऑल हैव रीच एंडिंग ऑफ क्वेश्चित आज हम लोग अपना ये वाला जो चैप्टर है ख़त्म कर लेंगे हाय या मनुज सो इन दिस चैप्टर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं टाइम फॉर अस टू बी डूइंग फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और अगर आपका होमवर्क जो है वो बाकी है इंश्योर कि आप लोग अपना जो होमवर्क है वो कर लेंगे नोट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन आर टेलीग्राम चैनल जिसका डिटेल्स नीचे है तो विदाउट वेटिंग मच लेट स्टार्ट अगेन आई रिपीट वन थिंग इफ यू आर टू बी गुड इफ यू बी वेरी गुड इन दिस चैप्टर यू विल बी वेरी गुड इन कॉस्टिंग बस ये एक चैप्टर है क्योंकि सब्जेक्ट नया है तो अपने को थोड़ा सा कैप्चर uh, करने के लिए टाइम जाते हैं बट इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग बिलीव मी कॉस्टिंग सब्जेक्ट ओके तो चलिए इस थॉट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूस्ड 400 मेट्रिक टन ऑफ एमएस बार स्टील बार्स वगैरह कुछ हो, कुछ होता है स्पेंडिंग 36 लाख ,00 रुपीस टुवर्ड्स मटेरियल एंड सिक्स लैक ट्वेंटी टूवर्ड्स रोलिंग चार्जेस कुछ और खर्चे होंगे तो एक मटीरियल का खर्चा हुआ और एक सिक्स लैख ट्वेंटी का रोलिंग चार्जेस हुआ टेन परसेंट ऑफ दउटपुट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव विच हैड टू बी सोल्ड एट टेन परसेंट लेस द प्राइस फॉर गुड प्रोडक्शन लोग क्या कर लेते हैं ये लोग गुड्स बनाता है ठीक है जितना भी प्रोडक्शन आया उसके से ना टेन परसेंट डिफेक्टिव होता है अभी वो लोग क्या सोचते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्शन को भी बेचेंगे बट दे सेल एट टेन परसेंट लेस द नॉर्मल प्राइस फॉर द गुड्स अगर आपके नॉर्मल मतलब वो जो नाइन्टी परसेंट गुड्स अगर आपके नाइनटी परसेंट गुड्स जो हैं वो कुछ एक प्राइस के ऊपर बिकते हैं आपके ये जो टेन परसेंट वाले गुड्स होंगे ओके दीज विल बी सोल्ड एट टेन परसेंट लेस दैट ऑफ द प्राइस याद रखना ये भी टेन परसेंट है ये भी टेन परसेंट है ये टेन परसेंट इज इन रेफरेंस टू आउटपुट कि सौ में से दस यूनिट थोड़े से खराब होते हैं और ये है इन रेफरेंस टू प्राइस अगर आपका जो नॉर्मल प्रोडक्ट कुछ एक प्राइस के ऊपर बिकता है ये वाला जो आपका वो प्रोडक्ट है ये टेन परसेंट कम प्राइस के ऊपर बिकेगा ठीक है इफ द सेल्स रियलाइजेशन शुड गिव अ फर्म ओवरऑल अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो उनको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का चाहिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट

तुम्हारे शॉर्ट्स के अंदर लिखा हुआ था अगर कभी अपने पास कॉस्ट है, है, है ना सर, एक थर्टी देर के बाद बी नथिंग बट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग सेलिंग प्राइसेस निकाल लेंगे ठीक है अपना बस वही काम है और कुछ नहीं ये वाला क्वेश्चन ना मैं इधर ही यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं तुम लोग तुम्हारे नोटबुक्स के अंदर ही सॉल्व करो अच्छा पिछले दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए थे आई होप सो यू ऑल हैव डन इट और आप लोगों ने इतना टाइम ही लिया रहेगा एक क्वेश्चन नंबर 15 था एक क्वेश्चन नंबर 16 था जिसका आंसर ये आना चाहिए अगर ये आंसर्स तुम्हारे नहीं आए देन इन दैट पर्टिकुलर केस अपनी वेबसाइट के ऊपर इन द डाउनलोड सेक्शन ओके एवरीथिंग इज देर जस्ट एक और चीज़ जब आप कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हो स्टार्ट करने से पहले उस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन होता है बराबर से पढ़ा करो वहां पे आपको एक ब्रीफ मिल भी जाएगा कि मैं इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाला हूं और इससे पहले मैंने लेक्चर्स के अंदर क्या किया है सो ऑल योर लेक्चर्स आर लाइक अ बुक ओके इन डिस्क्रिप्शन वी राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग कि इस लेक्चर के अंदर क्या कवर अप हो रहा है कब कवर अप हो रहा है एवरी मिनट का डिटेल तो अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू बी सीन अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वहां पे डायरेक्टली लिखा होगा ये वाला क्वेश्चन एट दिस टाइम उसको क्लिक कर दो डायरेक्टली जो वीडियो है आगे फॉरवर्ड हो जाता है ठीक है चलिए विद दिस लेट अस स्टार्ट तो अपने को यहां पर कॉस्ट चाहिए कॉस्ट जो है निकाल के अपने को अल्टीमेटली सेलिंग प्राइसेस चाहिए अच्छा याद रखना ये जो है ना ये क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है बीच में कुछ ना कुछ स्क्रैप जनरेट होता है वो स्क्रैप जनरेट जब होता है आ वो स्क्रैप बेच के अपने को सिक्सटी थाउजेंड रुपीज मिल जाता है ठीक है इस चीज से स्टार्ट करते हैं तो अपने नोटबुक्स के अंदर जरा लिखिए क्वेश्चन सेवेंटी मैं आंसर स्टार्ट करता हूं आप लोग अपने नोटबुक्स के अंदर लिखिएगा प्लीज चलिए तो पहले हम लोग यहां पर कॉस्ट निकालने का ट्राई करते हैं ठीक है तो यहां पे जरा लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट अच्छा देखो पिछले लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर स्टॉक्स नहीं आ रहे ठीक है याद रखना फॉर्मैट ऑफ ये पहले भी बोला हुआ है ऑफ तभी मायने रखता है ऑफ इज ओनली 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 इंपॉर्टेंट एंड आर स्टॉक्स इन द क्वेश्चन वरना क्या फर्क पड़ता है आप मटीरियल कॉस्ट को आखिर में डाल दो उसमें क्या फर्क पड़ता है ओके तुम्हारा आंसर तो सेम ही रहने वाला है दैट्स वॉट इवन वी आर गोइंग टू बी डूइंग तो पहले अपना कॉस्ट निकाल लेते हैं तो कॉस्ट के अंदर देखो यहां पे ना दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग नहीं बन रहे बेटा इकट्ठे ही बन रहे हैं तो उनका कॉस्ट भी इकट्ठा ही अपने को दिया हुआ है तो यहां पे सबसे पहले एक मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट कितने का दिया हुआ है थर्टी सिक्स ठीक है उसके बाद सिक्स लैख ट्वेंटी इज टूवर्ड्स रोलिंग चार्जेस रोलिंग चार्जेस शायद मटेरियल को प्लेन करने के लिए जो खर्चे होते होंगे उनको रोलिंग चार्जेस बोला जाता होगा सिक्स लाख ट्वेंटी था अच्छा यहां लेकिन अभी एक और चीज अभी इस क्वेश्चन के ना स्टॉक्स नहीं है ये वाला चीज मैं थर्ड टाइम अभी क्यों बोल रहा हूं स्टॉक्स नहीं है तो आप कोई भी चीज किधर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता देखो तुम्हारा कॉस्ट अभी तक इतना प्लस इतना है लेकिन ये वाला कॉस्ट तुम्हारा थोड़ा सा कम हो जाएगा क्यों क्योंकि जब प्रोडक्शन करोगे ना स्क्रैप जनरेट होगा जब स्क्रैप जनरेट होगा तो स्क्रैप बेच के अपने को 60, रुपीज मिल जाएगा। तो ये स्क्रैप है स्क्रैप बेच के अपने को इतना मिल रहा है तो यहां पर लिखना लेस स्क्रैप वैल्यू दिस इज सिक्सटी थाउजेंड अच्छा एक और चीज कभी कभी स्क्रैप बेचने का खर्चा होता है कभी कभी स्क्रैप बेचने का खर्चा होता है अगर कभी स्क्रैप बेचने का खर्चा होगा ना देन इन दैट पर्टिकुलर केस इतना ज़रा याद रखना वो अपना खर्चा हो गया तो अपने को ऐड करना पड़ेगा ठीक है चलिए मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के ना और कुछ यहाँ पे कॉस्ट वगैरह तो थे ही नहीं दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी सो थर्टी सिक्स लैक्स प्लस सिक्स लैख ट्वेंटी थाउजेंड प्लेस सिक्सटी थाउजेंड तो ये आ जाएगा फोर्टी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट मैं एक और काम कर देता हूं सम कहना जरा देखो प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्या इफ द सेल्स रियलाइजेशन शुड फेच द फर्म एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट तो आ गया तो इसी के अंदर यहां पर प्रॉफिट एड कर देता हूं तो मेरे को यहां पर बेटा जी क्या मिल जाएगा सेल्स अच्छा प्रॉफिट एट द रेट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट तो कैलसी लीजिए इन टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट और एडअप करके फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड अभी क्या करना ये हेडिंग बदल देना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स ठीक है अच्छा सुनो तो अभी अपने को क्या करना है

अगर मैंने 400 से डिवाइड किया ना तो मेरे को एक ही सेलिंग प्राइस मिलेगा तो मेरे को एक ही सेलिंग प्राइस मिलेगा अगर एक ही सेलिंग प्राइस मिलेगा ना इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स नॉट करेक्ट क्योंकि मेरे को दो अलग अलग सेलिंग प्राइसेस चाहिए ठीक है तो अभी ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन क्योंकि यहां पर आर टू डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस ठीक है मेरे को जरा बोलो वो दोनों सेलिंग प्राइसेस सेट करने के लिए अपने को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है दिए ना यार अपने को इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि ना अगर आप लोग नॉर्मल गुड्स इस प्राइस के ऊपर बेचते हो ये वाले जो डिफेक्टिव गुड्स होंगे ना आपको टेन परसेंट कम प्राइस के ऊपर बेचने हैं ठीक है अभी जरा ध्यान से सुनना ये वाला चीज तुम लोग एक मिनट के बाद कॉपी करो लिखो आ, सुनो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे ना आई एम राइटिंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट ठीक है तुम लोग नहीं लिखना एक मिनट के बाद लिखना प्रोडक्ट एक तुम्हारा नॉर्मल प्रोडक्ट है ठीक है और एक तुम्हारा डिफेक्टिव है ठीक है अच्छा एक चीज़ का कंफ्यूजन मत करना सर ये डिफेक्टिव एंड स्क्रैप आर सेम नो 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 ओके एग्जाम्पल मैं पेन्स बनाता हूं ठीक है तो कुछ पेन्स ऐसे हुए जिसके ऊपर निशान वगैरह है मैं उनको डिफेक्टिव बोलता हूं ठीक है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गया ठीक है लेकिन वो भी मैं बेच देता हूं एट टेन परसेंट लेस प्राइस तो स्क्रैप क्या होता है जब मैं पेन बना रहा था ठीक है तो मशीन ने प्लास्टिक को काटा थोड़ा बहुत प्लास्टिक निकलता रहता है वो सब कचरे को मैं इकट्ठा करके कचरे वाले को जाके बेच देता हूं वो मेरे को सिक्सटी थाउजेंड रुपीज देता है वो प्रोडक्ट नहीं है वो तो स्क्रैप है आई होप यू अंडरस्टूड अच्छा लिखो मत सुनो आउटपुट तुम्हारा जो टोटल आउटपुट है देखो साम फर्स के फर्स्ट लाइन के ऊपर था इट इज फोर हंड्रेड ठीक है इट इज फोर तो सामने फर्स्ट लाइन पे बोला था अ रीरोलर प्रोड्यूस्ड 400 हंड्रेड मेट्रिक टन ऑफ एम लाख टू वर्ड मटीरियल एंड सिक्सिंग टेन परसेंट ऑफ द आउटपुट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव फोर हंड्रेड के अंदर से डिफेक्टिव कितना है टेन परसेंट ठीक है तो नॉर्मल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी लिखना नहीं प्लीज क्योंकि स्टेटमेंट को टाइटल देना है ठीक है उसके बाद उन लोगों ने आगे क्या लिखा विच हैड टू बी सोल्ड एट टेन परसेंट लेस द प्राइस फॉर गुड प्रोडक्शन ठीक है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस अभी सेलिंग प्राइस हमको कंप्यूट करना है लेट द सेलिंग प्राइस फॉर 360 सिक्सटी टनस बी एक्स ठीक है लेट द सेलिंग प्राइस फॉर 360 सिक्सटी टन बी एक्स अगर ये एक्स है तो ये वाला प्रोडक्ट किस रेट के ऊपर बिक जाता है 0.9x, 10% एक्स टेन परसेंट लेस ना ओके तो जरा सोचो यहां पर ना कोई स्टॉक्स का झंझट नहीं है ये जो आउटपुट है ये तेरा क्वांटिटी सोल्ड भी है बेटा ठीक है तो आउटपुट मतलब क्वांटिटी सोल्ड क्योंकि कोई स्टॉक्स नहीं सेलिंग प्राइस विल 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 स्टार्ट गिव यू ओवर हियर सेल्स तो दिस दिस बिकम बिकम एंड टोटल टू फोर्टी सिक्स लैख एटी थाउजेंड उसके बाद इक्वेट करके अपना आंसर आ जाएगा अभी टाइटल देना जरा प्लीज टाइटल दो Let selling price of normal goods be x. Therefore, selling price of defective goods will be 0.9x. अभी कॉपी करो प्लीज़ नेक्स्ट चार लाइन कॉपी करो हो गया ठीक है देखो तो सेल्स न्यूमेरिकली ये होगा एक्स के अंदर पूरी कंपनी का सेल्स ये होगा मतलब दोनों सेल्स ही है ना देर फोर सेल्स थ्री नाइनटी सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स लैख एट्टी थाउजेंड एक्स इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स लाइक एटी थाउजेंडेड बाई थ्री नाइन सिक्स टू वन एट पॉइंट आपको ना एक सेलिंग प्राइस नहीं निकालने का था सम के समा जरा देखो फाइंड द सेलिंग प्राइस पर मेट्रिक टन फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ बार्स फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ बार्स ठीक है सो देयरफॉर दूसरे का सेलिंग प्राइस पॉइंट नाइन एक्स है बेटा जो इधर लिखा हुआ है ठीक है सो इन टू जीरो पॉइंट नाइन यह आ जाएगा वन जीरो सिक्स थ्री सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जगह है अगर लिखने का मन हो तो ये लिख देना दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ गुड या फिर आप लोग नॉर्मली लिखो पहले भी नॉर्मली लिखा था ना ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन and this is selling price of defective production ठीक है तुम्हारा जो ये वाला काम है ये हो गया पूरा का पूरा ठीक है चलिए दिस जॉब इज ऑल टूगेदर डन तुम्हारा जो ये वाला काम है ये पूरा का पूरा हो गया है अभी आगे चल पड़ते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट्स के ना मैंने ज्यादा चीजें वो नहीं लिखी सिर्फ एक ही चीज लिखी जो हाईलाइट कर रहा हूं अभी इफ देर आर टू प्रोडक्ट्स विद डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस एंड कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सेपरेटली अलग अलग कॉस्ट हम लोग नॉर्मल और इसका नहीं, नहीं निकाल सकते वो तो इकट्ठा ही दिया हुआ है अपने को देन मेक द इक्वेशन एंड कंप्यूट द सेलिंग प्राइसेस ठीक है जैसे हम लोगों ने इक्वेशन बनाया एक को पा पकड़ लो एक को जीरो पॉइंट नाइन एक्स कर लो और उसके बाद फिर आंसर निकाल लेना और यहां पर एक और चीज तो है ही है जो मैंने एक बार तुम लोग को शॉर्ट्स के अंदर वो बता दिया था अगर कभी सेलिंग प्राइस निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वही हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर भी किया है ठीक है चलो जॉब इज ऑल टू गेदर डन कंप्लीटली तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया ठीक है आगे चल पड़ते हैं अभी कॉस्ट शीट ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स ठीक है अपने जो लास्ट दो क्वेश्चन है वो कॉस्ट शीट ऑन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में उसका मतलब क्या है आपके पास दो प्रोडक्ट हैं ठीक है ठीके? आपकी कंपनी दो प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग बनाता है ठीक है ये प्रोडक्ट अलग से बनता है ये वाला प्रोडक्ट अलग से बनता है इसके लिए मटेरियल अलग से जाता है इसके लिए मटेरियल अलग, अलग से जाता है इसके ना इतनी क्वांटिटी के अंदर जाता है इसके ना इतनी क्वांटिटी के अंदर जाता है आपको बोला है कि आप कॉस्टशीट बनाओ दोनों का अलग अलग लेकिन एक पंगा है 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 आपको ना कॉस्ट कंबाइन करके दिया हुआ ठीक लेकिन कुछ ना कुछ हिंट दिए हुए तो जस्ट डेमो के लिए और नाइनटीन क्वेश्चन इज वट कैन बी कमिंग इन एग्जाम तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सो दिस इज क्वेश्चन नंबर कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ए And product B. One unit of A will require 8 kgs, while one unit of B will require 10 kgs. 1 kg of raw material for product A costs rupees 6, while 1 kg of raw material for product B will be costing 8. The company produced 100 kgs of product A and 150 kgs of product B. फाइंड मटीरियल कॉस्ट फॉर द पीरियड फॉर द कंपनी दिस क्वेश्चन इज ओनली जिस पुट टू ब्रिंग आउट एग्जाम के लिए नहीं आएगा ठीक है यहां पर दो प्रोडक्ट है ए और बी और दोनों के ना सिर्फ मटीरियल कॉस्ट के बारे में ही कुछ बोला है और सम ने अपने को क्या बोला है कि फाइंड द मटीरियल कॉस्ट फॉर द कंपनी तो आपको मटीरियल कॉस्ट चाहिए पूरी कंपनी का और कुछ नहीं चाहिए ठीक है अभी आप लोग क्या करो एक बार आप लोग सम फिर से पढ़ो मैं तब तक यहां पे जगह क्रिएट करता हूं ताकि आई कैन सॉल्व ओवर हियर ओनली पड़ा एक और बार चलो ठीक है अभी आंसर स्टार्ट करते हैं ये एक्चुअली इसका आंसर आना बहुत ईजी है लेकिन उसके बाद ना कुछ जो मेरे को बताना है वहां इंपॉर्टेंट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं an, an else, है? तो यहां पे प्रोडक्ट ए लिख लो यहां पे प्रोडक्ट बी लिख लो देखो कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड बी तो लिख लिया वन यूनिट ऑफ ए विल रिक्वायर एट के जीस वेल वन यूनिट ऑफ बी विल रिक्वायर टेन के जीस ऑफ रॉ मटीरियल अगर आप एक यूनिट ऑफ ए बनाते हो आपको रॉ मटीरियल तो डालना पड़ेगा कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है एट के जी टेन के जी पहले मैं ये वाला डेटा लिख लेता हूं रॉ मटीरियल इन केजीज पर यूनिट कितना है बेटा एट है और इस इधर कितना है टेन है ठीक है दीज आर रॉ मटीरियल इन केजीस पर यूनिट ठीक है आगे 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 वन के जी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ए कॉस्ट रुपी सिक्स रॉ मटेरियल फॉर बी विल बी कॉस्टिंग एट ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट ए है ना इसको कितने किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए एट के जी वो तो फर्स्ट लाइन ने बता दिया अभी ये रॉ मटेरियल आपको खरीदना भी तो पड़ेगा आप ये वाला जो रॉ मटेरियल है कहां से खरीदोगे सर हम लोग ना क्या करेंगे हम लोग मार्केट uh, जाएंगे और खरीदेंगे तो खरीदो फिर के जी मतलब मतलब ना यार यहां पर लिखा हुआ है वन के जी ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है तो यहां पर लिखे कॉस्ट पर के जी तो यहां पर कितने का सिक्स यहाँ पे कितने का एट जरा अभी सोचो ना अगर कोई तुमको ऐसा पूछता प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए कितना किलो ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा मैं बोलेगा एट मार्केट से जाके कि किस रेट के ऊपर खरीदोगे सिक्स मतलब तुम्हारा खर्चा इन ऑल ए का एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपीज का हो जाएगा फोर्टी एट दिस इज नथिंग बट रॉ मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट दिस इज फोर्टी एट एंड दिस इज एट्टी फोर्टी एट एंड दैट इज एट्टी ठीक है दिस इज रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए फोर्टी एट रुपीज का मटीरियल कॉस्ट का खर्चा होगा ऑफ बनाने के लिए 80 का। उसके बाद इन्टु, 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 अपने को तो टोटल कॉस्ट चाहिए देखो सामने अपने को, को क्या बोला था? The... एक -एक बनाओगे, तो टोटल होगा।, एक -एक तो होगा अभी मार्केट जाओ सॉरी अभी यह देखो कितना यूनिट्स बनाओगे हंड्रेड बी का कितना यूनिट बनाने वाला हूं वन फिफ्टी तो यहां पे अब जरा लिखना इनटू quantity produced. तो ए का आप लोग 100 यूनिट बनाओगे बी का आप लोग 150 यूनिट बनाओगे 150. फिफ्टी दिस विल गिव यू टोटल मटीरियल कॉस्ट ये कितना आ जाएगा 4800. ये कितना आ जाएगा 12000. टोटल मटेरियल कॉस्ट कितने रुपीज का आ जाएगा बेटा सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड दिस इज मटीरियल कॉस्ट फॉर द कंपनी अच्छा कोई ऐसा सोच सकता है सर सम खत्म हो गया हाँ बेटा सम खत्म हो गया ठीक है और कुछ अपना करने वाला वो नहीं है दिस इज कॉस्ट ऑफ़ द कंपनी ठीक है जॉब इज़ ऑल अच्छा इस क्वेश्चन से अपने को क्या पता चला अभी ध्यान से जरा सुनना देखो अभी यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है बराबर से सुनना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना वो लोग तुमको ये वाला डेटा देंगे वो बताएंगे मटीरियल कॉस्ट ऑफ द एंटायर कंपनी सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड वो लोग ऐसा बोलेंगे और तुम लोगों को कॉस्ट अलग 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 बनाना होगा मतलब ए का से बी का कॉस्ट अलग से ठीक है ए का कॉस्ट अलग से बी का कॉस्ट अलग, अलग से तो तुमको सोलह हजार आठ सौ ब्रेकअप करना है अगर ब्रेकअप के अंदर सामने बोल ही दिया आउट ऑफ सिक्सटीन थाउजंड एट हंड्रेड मटीरियल कॉस्ट फॉर एस फोर्ट हंड्रेड बील्व था फिर तो चलो मैं तुमको क्या एक्सप्लेन करूं फिर तो सबने ब्रेकअप बता दिया लेकिन अगर सम ने तुम लोग को ब्रेकअप नहीं बताया तो सम तुमको कुछ ना कुछ हिंट देगा और उससे पहले एक और छोटा सा चीज अगर कभी सम ने तुम लोग को ये वाला ब्रेकअप नहीं बताया और उसके बदले में तुम लोग को रेशो बता दिया कि डिवाइड सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड इन द रेशो ऑफ फोर्टी एट 120 फिर तो तेरा कम हो ही गया फोर्टी एट अ रेशो अगर कोई मेरे को यह वाला रेशो भी दे देता है मेरा काम हो गया चलो इसको ट्वेल्थ से डिवाइड करें एक बार तो ट्वेल्थ से डिवाइड किया दिस विल बिकम फोर मतलब दिस विल बिकम ठीक है तो अगर कभी आप लोग को ऐसा बोल दिया डिवाइड सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड इन द रेशो ऑफ टू इज फाइव फिर भी तुम्हारा काम हो ही गया ओके तो अगर कभी एक्चुअल ब्रेकअप दे दिया तो भी काम हो गया अगर कभी तुम लोग को रेशो दे दिया टू इस टू फाइव तो भी तुम्हारा काम हो गया ठीक है प्रॉब्लम कब आएगा जब ब्रेकअप भी नहीं दिया और जब रेशो भी नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे तो फिर अभी जरा सोचो अगर टू इज फाइव वाला रेशो नहीं दिया फिर रेशो निकाल लो बोलता सर रेशो कैसे निकालो तो अभी एक ट्रिक बता रहा हूं क्या करो दिस टू इज टू फाइव कम्स फ्रॉम फोर्टी एट हंड्रेड इज टू ट्वेल्व थाउजेंड एंड फोर्टी एट हंड्रेड एंड ट्वेल्व थाउजेंड आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल तो हर एक ऊपर वाली चीज का तुम लोग रेशियो ढूंढते रहो एग्जाम्पल 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 प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है ठीक है सम ने कुछ ऐसा बोला केजीस पर यूनिट एड टू टेन उनको बताना चाहिए इस सम के अंदर तो बोला जरा सोच तुम लोगों ने एट के बदले में बोल दिया के जी पर यूनिट आर इन द रेश ऑफ फोर इज फाइव ठीक है या मेरे को एक्चुअल नंबर्स दे दो या तुम लोग मेरे को रेशो दे दो मेरा काम तो हो ही जाएगा इन टू कॉस्ट पर के जी कॉस्ट पर के जी सिक्स इंस टू एट है ना उसका रेशो दे दो मेरे को सिक्स इज टू एट मतलब सामने मेरे को ऐसा बोला कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट पर के जी है इज इन द रेशो ऑफ थ्री इज टू फोर ठीक है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव यू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिस विल बी ट्वेल्व टू ट्वेंटी वैसे ट्वेल्व टू ट्वेंटी इन एनी पर्टिकुलर केस अगर दोनों चीजों को फोर से डिवाइड करोगे अगर दोनों चीजों को फोर से डिवाइड करोगे कम इन द रेशो ऑफ थ्री टू फाइव ठीक है ये वाला भी जो रेशो है ये थ्री टू फाइव का ही रेशियो है ना बेटा ठीक है उसके बाद इन टू क्वान्टिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी प्रोड्यूस तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है दैट इज हंड्रेड उसका रेशो दे दो मेरे को 2:3 तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी नथिंग बट योर टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बस तो ये हो गया ट्वेंटी फोर इज टू तुमको समझ में आएगा ट्वेंटी फोर इज टू अगर तुम लोग सॉल्व करोगे इट विल बी नथिंग बट टू इज टू फाइव ना यार जो यही वाला रेशो था तो अगर कभी तुमको टू नहीं दिया हुआ तो जरा सोचो कि मेरे को किस चीज की रेशियो चाहिए उससे पहले एक और बार ये वाला जो रिकैप है वो कर रहा हूं तुमको 16,800 का ब्रेकअप चाहिए 16,800 कौन सा कॉस्ट 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 है टोटल टोटल मटेरियल मटेरियल तो सोचो टोटल मटेर कैसे कैसे आ रहेगा टोटल मटेरियल कॉस्ट लाने के लिए तुम लोगों ने ये लिया रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई किया रहेगा उसके बाद ये आ रहेगा उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया किया रहेगा फिर उसके बाद ये वाला फिगर आ रहेगा तो बस दिमाग में एक पिक्चर बनाते रहो दिस टोटल वॉज कमिंग बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हिच व्हिच फिगर्स और उसके बाद सम पढ़ो वो वाली फिगर्स को रेशियो वो वाली फिगर्स का रेशियो सम के अंदर दिया ही होएगा दिया ही होएगा वो वाली रेशोस को लेकर तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो एक फाइनल रेशियो वो आ जाएगा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का 16800 को उस रेशियो से डिवाइड कर लेना एक और चीज यहां पर वो बोलता हूं ध्यान से सुनना आ अगर कभी तुम लोगों को यही वाला रेशियो दिया हुआ है तो फिर आपको इसके ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है ये वाली दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपको ये वाला रेशो दिया हुआ है इस रेशो के अंदर ऊपर वाली दो वो दोनों रेशोस तो खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो ही गई ना तो देख लो सबने क्या डेटा दिया हुआ है और उस डेटा से तुम लोग टोटल मटेरियल कॉस्ट तक पहुंच जाओ ठीक है अगर कुछ एक्चुअल डेटा दिया हुआ है वो ले लो अगर एक्चुअल डेटा नहीं दिया हुआ है तुम लोग रेशो ले लो दैट टाइम योर जॉब बिकम्स टू एन एंड ठीक है तुम्हारा जॉब कम्स टू एन एंड बस अभी तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली exactly यही वाला काम करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है तो देख लेते हैं ये चीजों का अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब जस्ट बिफोर आई स्टार्ट अवे विद क्वेश्चन याद रखना डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मतलब हर यूनिट के लिए ये ये वाले कॉस्ट लगते हैं ये एक, को एक आखिरी बात बोल रहा हूं ताकि मटेरियल तो कॉस्ट दिया रहेगा दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाओ टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे कैसे कंप्यूट होता है किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करते हो जिन जिन चीजों को मल्टीप्लाई करते हो पढ़ो उनकी रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो एक टोटल रेशियो निकाल लेना और टोटल मटेरियल कॉस्ट को उस टोटल रेशियो के अंदर डिवाइड करके अलग अलग काम कर लेना क्योंकि क्या होगा मेरे को ना अभी कॉस्टशीट अलग अलग बनानी होगी अगर कॉस्टशीट अलग अलग बनानी है तो मेरे को हर कॉस्ट भी अलग अलग ही बनाना पड़ेगा ठीक है सो आई गेस वी ऑल आर ऑलरेडी टू स्टार्ट अवे विद आर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सपोज टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पढ़ी messrs bata shoe company produces ya manufacture, two types of shoes a and b production cost for the year ended 31st of march were direct material 15 lakhs direct wages 8 lakh 40 production overheads 3 lakhs 60 administration overheads 12 lakh 60 thousand Acha अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये नहीं दिया हुआ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन के इट इज जनरल हम लोगों ने एक क्वेश्चन के ना मारा था उस क्वेश्चन के ना क्या मारा था अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं दिया रहता इट इज टू बी जनरल जनरल वो एक क्वेश्चन के ना शायद कुछ और हो तो पढ़ते हैं दे इज नो डब्ल्यू आई पी स्टॉक एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड तो डब्ल्यू आई पी स्टॉक नहीं है ठीक है

टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है पूरी कंपनी का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है पूरी कंपनी का तो अभी उन लोगों को बाइफरकेशन के लिए को कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना तो वो लोग बता रहे मटेरियल ए शूज के अंदर डबल मटेरियल जाता है मटीरियल तो के बारे में बता दिया लेबर के बारे में बता दिया प्रोडक्शन ओवर के बारे में बता दिया ऑल जो तुम लोग शायद अभी सोच रहे हो वो वाला चीज गलत होएगा तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अच्छा नोट डी इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मी एडमिनिस्ट्रेशन ओवर आर कंसिडर टू वेरी विद इसको डबल अंडरलाइन करना विद डायरेक्ट रीचेज तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर वेरी हो रहा है डायरेक्ट रीचेज डायरेक्ट वेजेस किसके ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी प्रोड्यूस के क्वांटिटी सोल्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस तो ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है दिस विल आल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट आर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्योंकि इट इज वेरिंग विद डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट वेजेस आर डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस तुमको समझा मेरे को नहीं मालूम था कि ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना ये प्रोडक्शन रिलेटेड है कि ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये जनरल है क्योंकि प्रोडक्शन होएगा तो ऊपर आएगा जनरल होएगा तो नीचे आएगा को बोलते सर यू ओनली टोल्ड इफ देर आर नो स्टॉक्स इन अ प्रॉब्लम इट डज नॉट मैटर ऊपर आएगा कि नीचे आएगा लेकिन आगे एक एडजस्टमेंट बाकी है जिसके ने समझ में आ जाएगा कि स्टॉक है तो मेरे को चाहिए रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन बेस्ड है कि जनरल है तो सामने डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन एक जबरदस्ती का हिंट दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरिंग बेस्ड अपॉन डायरेक्ट वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरिंग बेस्ड अपॉन डायरेक्ट वेजेस मतलब इन दिस पर्टिक्यूलर केस इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन क्योंकि डायरेक्ट वेजेस भी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, है? ये वाला नोट अपने को लिखना होगा ये वाला नोट अपने को लिखना होगा ठीक है तो इसके लिए मैं तुम लोग को एक नोट लिखवा दूंगा बाद में ठीक है आगे प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इयर वर्स ए फोर्टी थाउजेंड पेयर्स थर्टी सिक्स थाउजेंड वर्स होल्ड ठीक है चालीस हजार पेयर बनाए उसके अंदर से कितने बेच दिए थर्टी सिक्स थाउजेंड बी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पेयर बनाए और विच ,000 ,000 पर सोल्ड सेलिंग कॉस्ट बोले तो एस एन डी वॉज वन पॉइंट फाइव पर पेयर सेलिंग प्राइस वॉज फोर्टी फोर फॉर टाइप ए एंड ट्वेंटी एट पर पेयर फॉर टाइप बी चलिए ठीक है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट कॉस्ट एंड एंड प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों कॉस्ट शीट के अंदर दिखाई दे देते हैं लेकिन हम लोग टाइटल ऐसे देंगे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड दिस इज द डेटा फॉर वन ईयर ठीक है चलिए तो नोटबुक्स के अंदर आ जाइए दिस इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ठीक है चलिए सो लेट्स डू आर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एज सच सेम टाइटल ही देता हूं जो सम के अंदर होता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट तो यहां पे लिख लेना स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर वन ईयर उतना मैं लिख देता हूं अच्छा लेकिन क्वेश्चटी बना रहे ये वही चीज है तो यहां पर आप लोग नेक्स्ट साइन पे लिख लिए आ, लिख लीजिए जब हम लोग शीट स्टार्ट करते हैं अपने को दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक सेकंड के लिए जरा रुकना एक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स और एक क्वांटिटी सोल्ड फिनिश गुड्स ठीक एक मिनट के लिए जरा रुको प्लीज अभी यह वाली कौशिट ना मेरे को कॉलमनर बनाने का है कॉलमनर मतलब इन दिस केस एक मिनट मैं तुमको वो बोला था ये वाला चीज वो मत लिखना एक प्रोडक्ट ए आ जाएगा एक प्रोडक्ट बी आ जाएगा और एक यहां पे आप लोग टोटल लिख लो, लो ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिन, मिन, भी बनाने से अच्छा एक टोटल और एक पर यूनिट एक टोटल और एक पर यूनिट और यहां पे बस रुपीस करके वो लिख देता हूं ताकि वो खाली ना लगे ठीक है एक मिनट के लिए जरा वेट करो एंड देन यू ऑल स्टार्ट टू बी डूइंग इट यहां पे कॉस्ट के अंदर क्या क्या कॉस्ट है वो देख रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट मटेरियल का कोई स्टॉक नहीं है तो वो जाने दो डायरेक्ट लेबर है उसके बाद टोटल यहां पर क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट ठीक है जस्ट वेट जस्ट वेट एड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हेड्स एड प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होता है ठीक है अच्छा उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और डब्ल्यू आई पी स्टॉक एडजस्ट करने के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट यहां पे वो दोनों चीजें वो नहीं है तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है उसके बाद एड वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वो इधर ही आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला चीज आप लोगों को क्या दे देगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है अभी ध्यान से सुनना प्लीज बनाने का जल्दी मत करो उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है उसके बाद लेस यहां पे पूरा लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है एक लाइन इधर छोड़ देना दिस विल गिव यू सीओजीएस उसके बाद एड एस एंडी ओवर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन था ठीक है उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके बाद एड प्रॉफिट आ जाएगा गेट सेल्स ठीक है चलो ये वाला जो चीज है ये सारा का सारा जो चीज है वो हो गया ठीक है दिस पर्टिकुलर वर्क इज ऑल टूगेदर डन वंस दिस वर्क इज डन अभी तुम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है इस वक्त वीडियो पॉज कर लो और ये वाला जो चीज है वो बना लो उसके बाद यू ऑल कैन चलिए तो तुम्हारा बन चुका है यहां तक बस अभी अपने को ही कंप्लीट करनी है ठीक है अभी जो छोटी मोटी चीजें हैं मैं लिख देता हूं उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं देखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड सम और जरा देखो पॉइंट नंबर ई के अंदर ए का प्रोडक्शन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ वर सोल्ड तो फोर्टी थाउजेंड का क्वांटिटी प्रोड्यूस था तो इधर आ रहा हूं फोर्टी थाउजेंड क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड ए का उसके अंदर से बिग कितना गया था थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक फिर उसके बाद बी का

तो ऑबियसली जीरो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डायरेक्टली आ जाएगा अभी उसके लिए नोट भी बनाने की कोई जरूरत नहीं वो डायरेक्टली पता चल जाता है बेटा ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था चालीस हजार बनाया छत्तीस हजार बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया फोर थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड बनाया वन लाख बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ना तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल फोर थाउजेंड कॉमा ट्वेंटी थाउजेंड अच्छा और क्या क्या डेटा है सम के अंदर डायरेक्ट मटेरियल 15 लाख तो डायरेक्ट मटेरियल टोटल लिख दो 15 लाख 15 लाख लिखना प्लीज बराबर से ठीक है आगे डायरेक्ट लेबर एट लाख फोर्टी उसके बाद प्रोडक्शन ओवर मतलब फैक्ट्री ओवर एट्स थ्री लाख सिक्सटी एडमिनिस्ट्रेशन ट्वेल्व लाख सिक्सटी एडमिनिस्ट्रेशन ट्वेल्व लाख सिक्सटी ठीक है अभी उसके बाद और क्या क्या डेटा है मैं जिसमें नंबर वन एक मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूं जिसमें नंबर टू भी इग्नोर कर रहा करो जिसमें नंबर थ्री भी इग्नोर कर रहा करो फोर के लिए एक नोट देना है चलो पहले वो वाला नोट दे देता हूं दैट नोट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इज सम के अंदर वॉज डिपेंडेंट अपॉन वेजेस एंड वेजेस इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन सो दीज एडमिनिस्ट्रेशन बट मस्ट ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन ओनली तो यहां पे जरा लिखना नोट्स उसके नीचे लिखो वन एंड राइट नाउन लिखो एज Administration overheads are varying with wages, they must be dependent on. Quantity produced as wages are dependent on quantity produced. ठीक है चल ये तुम्हारा काम हो गया आगे सेलिंग कॉस्ट वॉज 1.5 पॉइंट फाइव पर पेयर मतलब टाइप ए शूज के लिए भी 1.5 था टाइप बी शूज के लिए भी 1.5 था तो मैं क्या करता हूं एस एनडी के पर यूनिट में जा रहा हूं 1.5 पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव सेलिंग कॉस्ट मतलब एस एन डी कॉस्ट वन पॉइंट फाइव प्लीज ये सेलिंग कॉस्ट है सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस No, बाई क्वान्टिटी सोल्ड करेक्ट सो वन पॉइंट फाइव इंटू थर्टी सिक्स थाउजेंड तो ये आ जाएगा 54,000। फिर उसके बाद 1 lakh 50,000 इंटू 1 lakh तो ये आ जाएगा 1 lakh 50। टोटल तो आ जाएगा 2 lakh 4,000। ठीक है ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट नंबर जो सेकंड लास्ट था F। एडजस्टमेंट नंबर G, सेलिंग price was 44 for A. एंड ट्वेंटी एट B. बी तो यहां पे लिख लेना फोर्टी फोर ट्वेंटी एट तो फोर्टी फोर इन टू कितना बेचा बेटा थर्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टीन लाख एट्टी फोर थाउजेंड ट्वेंटी एट इन वन लैख तो दिस इज ट्वेंटी एट फोर्टी थ्री लाख एट्टी फोर थाउजेंड ठीक है इतना तुम्हारा काम हो गया बाकी के लिए अभी अपने को सॉलिड दिमाग यूज करने का है ठीक है तो अभी सॉलिड दिमाग यूज करते हैं तो देखो एडजस्टमेंट नंबर एफ हो गया एक मिनट जो हो गया उसको मैं निकाल देता हूं सुन, एडजस्टमेंट में नंबर एफ हो गया जी हो गया ठीक है मैंने ये सब कुछ भी लिख लिया एडजस्टमेंट नंबर ई ज्यादातर यूज कर लिया ठीक है बच गया ए बी सी डी और ये चारों एडजस्टमेंट्स ये चारों खर्चों के बारे में है तो बस आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया अपने को क्या करना चाहिए डायरेक्ट मटीरियल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मटीरियल पूरे साल का कितना था फिफ्टीन लैक्स डायरेक्ट मटीरियल इन टाइप ए शूज कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज इन टाइप बी शूज कई लोगों ने तो खत्म भी कर लिया रहेगा सर टूस टू वन के डिवाइड करने का एक मिनट सुनो पहले ध्यान से जितना मटेरियल ए शूज के अंदर है उतना ही मटेरियल दैट इज डबल एज कंपेयर टू जो बी के अंदर है जब तुम लोगों ने ये वाला लाइन पढ़ा तो अब मेरे को तुम लोग एक चीज का आंसर देना ठीक है एक चीज का आंसर देना अब मेरा ड्राइंग बहुत सड़ा हुआ है ठीक है जितना बना सकता हूं बनाने का ट्राई करता हूं ठीक है एक तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज डिपेंडेड अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ठीक है ए का कितना पेयर्स बनाया है बेटा फोर्टी थाउजेंड बी का कितना पेयर्स बनाया है वन लाख ट्वेंटी ठीक है अभी फोर्टी थाउजेंड ये फर्स्ट पेयर ठीक है ये सेकेंड पेयर ये थर्ड पेयर ये फोर्थ पेयर ब्ला 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 ठीक है ये वन पेयर ये टू पेयर ये थ्री पेयर ये फोर पेयर ब्ला 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 ऐसे चालीस हजार पेयर बनाए और ऐसे एक लाख बीस हजार पेर बनाए अब मेरे को एक चीज जरा तुम लोग सोच समझ के बोलना जब ये वाला लाइन पढ़ते हो दस बार पढ़ो चाहे डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज इन टाइप बी शूज कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज टाइप बीशू जब ये वाला लाइन पढ़ा तो दिमाग के अंदर दोनों में से क्या आया फर्स्ट सर जितना मटेरियल एक पेयर ऑफ ए बनाने के लिए जाता है दैट इज डबल एज कंपेयर टू जो टाइप बी बनाने के लिए जाता है दिस इज वन ऑप्शन दिस इज वन ऑप्शन अगर ऐसा तुम लोग सोचते हो तो, तो मतलब वो जो डेटा दिया हुआ है ना वो अपने को पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है वो अपने को पर यूनिट का डेटा पर यूनिट मतलब पर पेयर ओके okay? पर यूनिट मतलब पर पेयर ठीक है ये हो गया एक चीज दूसरा दूसरा सर आपने जो बोला गलत बोला सर करेक्ट ये है जितना माल सारे चालीस हजार पेर के लिए गया रहेगा दैट इज डबल एज कंपेयर टू जो माल टाइप बी शूज के लिए गया रहेगा अगर ऐसे बोलते हो मतलब वो जो रेशो है ना टू इज वन वो टोटल मटेरियल कॉस्ट का रेशो है तुमको समझा फर्क अभी तुम लोग ये वाला चीज पढ़ो ध्यान से और फिर से सोचो ये वाला जो एडजस्टमेंट नंबर ए है ना यू रीड दिस एडजस्टमेंट दिमाग में क्या आता है कि वो पर यूनिट का डेटा है कि टोटल को बोलते तो सर क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है बेटा पहले मेरे को बोलो 15 लाख ,00 कौन ,00 सी कॉस्ट है टोटल मटेरियल कॉस्ट है कि पर यूनिट कॉस्ट है सर टोटल कॉस्ट है सर तो चलो ठीक है अभी लिखना मत लिखना मत टोटल मटेरियल कॉस्ट फिफ्टीन लैक्स ठीक है अभी ये जो है ये तो टोटल मटेरियल कॉस्ट है इसको डिवाइड करना है अमंग आर टू प्रोडक्ट्स विच टू प्रोडक्ट्स एन बी जरा सोचो टोटल मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ रहेगा इट मस्ट बी सॉरी टोटल मटेरियल कॉस्ट वो कैसे आ रहेगा हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लिया रहेगा ठीक है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से टोटल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए तुम लोग कौन सी क्वांटिटी से प्रोड्यूस करते हो uh, कौन सी क्वांटिटी मैंने बोली दिया कौन सी क्वांटिटी के साथ वो मल्टीप्लाई करते हो क्वांटिटी प्रोड्यूस सो दे फोर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ठीक है अच्छा जो आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है जो आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है आ, वो इस क्वेश्चन के अंदर है ना हमारे पास देखना जरा वो इस क्वेश्चन के अंदर कितना है फोर्टी थाउजेंड इज टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड इज टू वन लाख ट्वेंटी में नीचे आता इधर तो दैट इज मतलब वन इज टू थ्री रेशो फोर्टी थाउजेंड इज टू वन लाख ट्वेंटी अब देखो जरा मैं रेड के अंदर लिख रहा हूं अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो सर वो जो टू इज टू वन का रेशो है ना वो पर यूनिट रेशो है तो बेटा फिर ये टू इज वन है लेकिन फिफ्टीन लैक्स तो टोटल फिगर है तो फिर तुम्हारा जो टोटल रेशो है जो टोटल रेशो है वो टू इज थ्री हो जाएगा वो टोटल रेशो टू टोटल रेशो टू इसक सेकेंड अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो नहीं सर आप झूठ बोला सर वो जो टू इस टू वन है ना सर वो पर यूनिट रेशो नहीं है सर वो जो टू इज वन है ना सर वो टोटल रेशो ही है तो फिर तो मेरा काम ही खत्म हो गया फिफ्टीन लैक्स डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा टू इस टू वन के अंदर ठीक है अब मेरे को बोलो इज दिस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट और इज दिस सेकंड ऑप्शन करेक्ट ये वही चीज है बस मैंने तुम लोगों को वो डेमो दिया है जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने तो वो जो टू इज वन का रेशो है बेटा वो कौन सा रेशो है इज दैट पर यूनिट अगर ऐसा बोलोगे तो फिर फिफ्टीन लैक्स टू इज थ्री के अंदर डिवाइड होगा अगर तुम लोग बोलोगे नहीं सर फिर फिफ्टीन लैक्स टू इज वन के अंदर डिवाइड होगा मेरे को बोलो फर्स्ट करेक्ट है कि सेकेंड करेक्ट है ऑब्वियसली फर्स्ट करेक्ट है इसलिए नहीं क्योंकि सब मुश्किल होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट मटीरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट इस को स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज पर यूनिट कॉस्ट जब मैं वो वाला लाइन पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में यही वाला चीज आता है जितना माल बी के एक पेयर के लिए जाता है उससे डबल माल ए के एक पेयर के लिए जाता है देख लो यहां पर भी वही लिखा हुआ है पढ़ लो इधर डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए शूज कई लोग ऐसा सर इधर ना लिखा 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 हुआ हुआ, हुआ है, है नहीं बेटा इसके लिए. तो डायरेक्ट मटेरियल इन टाइप ए शूज कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज इन बी शूज ओके तो जितना माल ए के एक पेयर के लिए जाता है उससे डबल माल बी के एक पेयर के लिए जाता है Uh, उसके अंदर डबल माल जाता है एस कंपेयर टू बी तो ये जो पर यूनिट रेशो है ना ये वाली जो रेशो है ये कितनी है बेटा टूस टू वन तो फाइनल रेशियो कितने आ जाएगी टू इस टू थ्री बस मेरा काम हो गया जो मैंने तुमको सिखाना था लिखिए अभी वर्किंग नोट टू मटीरियल कॉस्ट तो ए बी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन टू क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड विल गिव यू टोटल मटीरियल कॉस्ट ये जो है ये टू इज टू वन है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फोर्टी थाउजेंड इज टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मतलब वन इज टू थ्री तो जो टोटल आ जाएगा टू इस टू तो थ्री आ जाएगा आगे थर्ड अभी सारे नोट्स पहले तैयार कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है उसके बाद लेबर कॉस्ट ए एंड बी लेबर कॉस्ट के लिए अभी जिसमें नंबर वन भी अपना हो गया है ठीक है जिसमें नंबर वन के बारे में कुछ और थोड़ी देर के बाद बोलूंगा अभी के लिए बस मैंने वो फाइनल रेशन निकाली है डायरेक्ट वेज इज फॉर टाइप बी शूज वो सिक्सटी परसेंट ऑफ दो शूज ऑब्वियसली अब तो मेरे को बोल देना यह वाला डेटा पर यूनिट डेटा है कि टोटल डेटा है पर यूनिट डेटा है तुमको कैसे मालूम बिकॉज इट इज लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट बच्चा पर यूनिट कॉस्ट ही होता है तो यहां पर लिखना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट हंड्रेड इज टू सिक्सटी देख लो टाइप बी के अंदर इट वॉज सिक्सटी परसेंट ऑफ टाइप ए तो अगर टाइप ए हंड्रेड था बी सिक्सटी हो जाएगा इन टू मी को बोलो डायरेक्ट लेबर इज डिपेंडेंट ऑन विच क्वांटिटी क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वन इज टू थ्री दिस इज टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हंड्रेड इज टू वन एटी ठीक है अच्छा तो ये वाला रेशो आ गया थ्री टू वन एटी एक मिनट हंड्रेड इज वन एटी ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज अभी उसके बाद नेक्स्ट बराबर से पढ़ना पढ़ प्रोडक्शन ओवर हेड सेम आगे पढ़ आगे पढ़ आगे पढ़ पर पेयर ऑफ एन बी पर पेयर ऑफ ए एनबी तो ये वाला डेटा किसके बारे में है प्रोडक्शन ओवर बोले तो फैक्ट्री ओवर दिस इज एंड दिस इज बी ठीक है सो देव इन दिस केस उन लोगों ने खुद ब खुद ही लिख के दिए इट इज सेम पर पेयर बेटा सेम पर पेयर मतलब एक यूनिट ए का बनाएगा या एक यूनिट बी का बनाएगा फैक्ट्री ओवर दोनों के लिए सेम ही लगेगा सेम बोले तो वन इज टू वन ना और लिखा हुआ इट इज वन इज टू वन पर यूनिट सो देव फोर वन इज टू वन ठीक है into quantity क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड दिस total टोटल फैक्ट्री ओवर is वन इज थ्री ठीक है और एडमिन के बारे में ना मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि एडमिन के बारे में ना मेरे को कुछ ना कुछ देके रखा हुआ है इट इज कंसिडर्ड टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस मिनट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस मतलब जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट के लिए वेजेस ज्यादा लगता है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा लगता है मतलब जो वेजेस के लिए था ना सेम विल वर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेशन तो जिसके लिए वेजेस ज्यादा लगेगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा लग जाएगा नोट बना देता हूं लेकिन कुछ कैलकुलेशन वो नहीं करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रेशो सेम is to इस ठीक है अपना काम जो है वो हो गया अभी कैल्सी लो फटाफट तुमको क्या काम करना है वो मैं तुमको बता रहा हूं ठीक है उसके बाद तुम लोग अपना काम करोगे मैं अपना काम करूंगा लेट सी हु डज इट फास्टर 15 लैक्स टू इज टू थ्री के अंदर डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट लेबर हंड्रेड इज टू वन एट्टी के अंदर डिवाइड हो जाएगा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा प्रोडक्शन ओवर देख लो किस रेशो के अंदर डिवाइड हो जाएगा इन दिस केस वन इज थ्री के अंदर डिवाइड हो जाएगा वन इज टू थ्री के अंदर डिवाइड हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन रेशो के अंदर डिवाइड हो जाएगा दैट इज सेम एज लेबर वो हंड्रेड इज वन एटी क्या आ जाएगा सीओपी इस सम के ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो नील ही लिख देना है ही नहीं बेटा क्वेश्चन के कहना अभी अभी मेरे साथ ही लिख दो नील ठीक है उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज टू गेट वैल्यूड वी वैल्यूट एट कॉस्ट तो ये वाला चीज याद जरा करो इधर कॉपी होता है ये वाला चीज इधर कॉपी होता है एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय द क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी ठीक है एक बार वो आ जाएगा उस फिगर को लेस कर देगा COGS आ जाएगा COGS आ जाएगा टोटल मार लेना COGS ऑनवर्स यू हैव टू बी डिवाइडिंग बाय क्वान्टिटी सोल्ड तो तुमको पर यूनिट फिगर भी आ जाएगा ठीक है उसके बाद इन दिस केस कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेना और उसके बाद प्रॉफिट निकाल लेना देखते हैं कौन काम वो जल्दी करता है यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग ऑब्वियसली यू आर मच बेटर ऑन कैल्सियज कंपेयर टू मी बट यू जस्ट ट्राई उसके बाद कुछ और बोलता हूँ सम अभी तक खत्म नहीं हुआ नाइन लैक्स बी का है डिवाइड बाई क्वान्टिटी प्रोड्यूस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है सेवन पॉइंट फाइव ये थर्टी सिक्स इधर आ जाएगा ये ट्वेंटी वन इधर आ जाएगा थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स इंटू फोटी इंटू फोर थाउजेंड ट्वेंटी वन लाख प्लस फोर लाख ट्वेंटी फाइव लाखी फोर थाउजेंड माइनस थर्टी नाइन लाखी थाउजेंडीडी ठीक है ट्वेल्व लाख नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स थाउजेंड क्वानिटी सोट से डिवाइड करने का thirty six twenty one twelve lakh ninety six thousand plus 54, 000, fifty four thousand thirteen lakh fifty thousand minus fifteen lakh eighty four thousand two lakh thirty four divided by quantity sold thirty six thousand six point five thirty seven point five let's give this is twenty two lakh fifty thousand

थर्टी फाइव नाइन्टी एक बार लॉस कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ ये गलत है बेटा थर्टी सिक्स लैक्स थर्टी थ्री नाइन्टी सिक्स थाउजेंड प्लस टू लाख फोर थाउजेंड प्लस बराबर है ठीक है तुम्हारा आंसर जो है बेटा ये होना चाहिए था ठीक है अभी नहीं हुआ तो एक बार पॉज करके जस्ट फिनिश ऑफ दिस ठीक है उसके बाद स्टार्ट करना उसके बाद बस तुम लोग को तीन चीजें बोलनी दैट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर सेशन एवरीथिंग सो देख हम लोगों ने बोला था मटेरियल कॉस्ट टू इज टू वन वो पर यूनिट रेशियो है तो पर यूनिट टू इस टू वन इधर भी दिखाई देगा फिफ्टीन इस टू सेवन पॉइंट फाइव लेबर का पर यूनिट रेशियो हंड्रेड इस है तो ये पर यूनिट वाला कॉलम ही है ना बेटा दिखाई देगा ना उधर प्रोडक्शन ओवर एज सेम पर पे तो दोनों जगह पे टू पॉइंट टू फाइव ही आया ना ठीक है तो जो चीज़ें तेरे को यहां पर दिया हुआ था वो चीजें हमारी कौशी के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है सेकेंड अभी ये चीज ध्यान से सुनना कई लोग मैक्म ऐसा मेरे को बोलते हैं सर इधर थर्टी सिक्स आया इधर थर्टी सिक्स आया पर यूनिट थर्टी सिक्स ही आ गया ऐसा सर पहले तो नहीं होता था और ये हर क्वेश्चन के अंदर होएगा क्या नहीं ऐसा क्यों हुआ एक ही बार बोलता हूं ठीक है ध्यान से कान खोल के सुनो चालीस हजार यूनिट इस पीरियड के अंदर बनाए ठीक है अभी ब्लू के अंदर लिख रहा हूं ये चालीस हजार का पर यूनिट कॉस्ट कितना था थर्टी सिक्स ये चालीस हजार का पर यूनिट कॉस्ट कितना था थर्टी सिक्स ठीक है, बराबर से सुनना चालीस हजार का परिणाम कॉस्ट कितना था थर्टी सिक्स उसी के अंदर से चार हजार नहीं बिके ऑब्वियसली चार हजार जो नहीं बिके चालीस हजार के अंदर से थे तो उसका भी कॉस्ट किस रेट के ऊपर वैल्यू हुआ थर्टी सिक्स तो जो बाकी छत्तीस बिके वो भी चालीस हजार के अंदर से ही थे ना ये क्या है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी गुड्स बिके उसका कॉस्ट तो जो भी गुड्स बिके छत्तीस हजार चालीस हजार के अंदर से बिके ना और चालीस हजार का कॉस्ट कितना था थर्टी सिक्स तो ये छत्तीस हजार का भी थर्टी सिक्स कॉस्ट ही आएगा व्हाट इज दिस बेटा दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो गुड्स बिके उसका कॉस्ट जो गुड्स बिके उसका कॉस्ट पर यूनिट तो थर्टी सिक्स ही आएगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सम के अंदर क्या नहीं था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स

फॉर ओवर हेड्स दे विल ऑलवेज मैंशन वेदर इन्फॉर्मेशन इज पर यूनिट और टोटल जैसे इस क्वेश्चन लिखा, लिखा हुआ था ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड व सेम लिखा था ना बेटा पर पेयर पर पेयर लिखा हुआ था ना ओके okay, तो वो देंगे वो लोग ठीक है वेदर वेन एवर देर आर टू प्रोडक्ट प्रिपेर क्वेश्चीट इन अ प्रोडक्ट वाइज मैनर ठीक है तो आप लोग अलग अलग क्वार शीट बनाओ क्योंकि अपने को यहाँ पे ना कॉस्ट ब्रेकअप करने के लिए इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ था

कभी कभी शायद ऐसा हो वो लोग ना आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देंगे क्वांटिटी के अंदर लेकिन वो लोग ना उसका अमाउंट नहीं देंगे तो आपको फिर अज्यूम करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इस साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ना वॉज वैल्यूड एट वट रेट इस क्वेश्चन के ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था ही नहीं मैंने ब्रैकेट के लिए लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस क्वेश्चन लेकिन अगर कोई क्वेश्चन के ना ऐसा है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी के नर दिया हुआ है रुपीज के ना नहीं दिया हुआ तो फिर सम खत्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अजम्पन माना पड़ेगा दैट टाइम यू कैन रिज्यूम की इस साल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लास्ट ईयर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही था तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी उसी रेट के ऊपर वैल्यू हुआ रहेगा तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी इसी रेट के ऊपर वैल्यू हुआ रहेगा ठीक है चलिए विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड हर क्वेश्चन के एंड में हम लोग आई का एम करते हैं

डे हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देर विल भी टिप्स प्रोवाइडेड फिफ्टीन चैप्टर टिप्स और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल भी दे ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे टूडे वी आर गुंडर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स एंड योर टाइम दैट यू डिवोट टू योर स्टडीज आर नॉट प्रपोर्शनल टू इच अदर कई लोग सोलह घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे कई लोग एट आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे इट इज नॉट डिपेंडेड अपॉन हाउ गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस इज इट इज ऑल अबाउट वॉट योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज वेन एवर यू आर ट्राइंग टू बी स्टार्टिंग जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके करो इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एट आवर्स कट योअर सेल्फ आउट फ्रॉम मेनी थिंग्स अगर आप एट आर्स का टारगेट रखे हुए हो तो एट आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है कीप ऑल थिंग्स असाइट इट इज एट आवर्स दैट यू अगुड बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे इफ यू अगुन बी गिविंग फॉर एट आर्स मोर द बेटर लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो स्टडी इन अवाइजर वे जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ऑनेस्टली फॉर मी एट टू टेन आवर्स इज मोर देन अफ फॉर यू ऑल टू बी गेटिंग अ रैंक ऑल्सो इट्स ओनी दैट हाउ यू आर स्पेंडिंग दोज एट टू टेन आवर्स विदाउट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स

पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए दिस इज आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स थैंक यू गाइज आई सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर टू